हेलो, वेलकम इन माय चैनल टेस्टी इजी किचन। आज मैंने बनाया है चिकन कोफ्ता विद ग्रेवी, या कहें इसको कढ़ाई कोफ्ता भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया मैंने। मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च, इसको दरदरा पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, मुझे सूखा चाहिए क्योंकि अभी। तो ये मेरे पास करीब 1/2 किलो कीमा चिकन का, चिकन ब्रेस्ट से मैंने बोनलेस चिकन से घर में ही बनाया है कीमे को, और इसमें जो मैंने प्याज मिर्ची का ब्लेंड किया है वो इसमें डाल देंगे पूरा अच्छे से निकाल के। और अपन इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे, डाला 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पून ऑयल डाला है हमने इसमें, और मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर और 1 चम्मच बेसन 1 टेबल स्पून मैंने इसे बेसन डाला, उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसकी मीट बॉल्स बना लेंगे, ओवल शेप में, राउंड शेप में, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। और हाथ में थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाएंगे और हम इसकी ताकि चिपके नहीं हमारा मिक्सचर, और हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सब बॉल्स बना के हम रख लेंगे, पहले रेडी करके रख लेंगे एक प्लेट में। मैं ओवल शेप में बॉल्स बना रही हूँ सब, ये मैंने बना दी हूँ, देखिए मेरे करीब बन गए हैं सब ऑयल शेप में, मेरी सब मीट बॉल्स तैयार हो गई हैं। मैंने एक पैन लिया, इसमें डालेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हम इसको अपने बॉल्स को पहले शैलो फ्राई करेंगे, और डार्क ब्राउन हमें डीप फ्राई नहीं करना है, ना ही डार्क ब्राउन करना है, बस लाइट ब्राउन होने तक शैलो फ्राई हम इसको करेंगे, थोड़ा ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे बॉल्स हमारी। थोड़ी देर में देखिए इसको पलटते रहेंगे, सिकती रहेंगी एक एक तरफ से, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से सिक जाए, कहीं से कच्ची ना रहे। तो देखिए हमने साइड चेंज कर दी है सबकी, थोड़ा देर इधर से पकने देंगे, इसके बाद फिर से हम पलट के देख लेंगे एक दो बार। देखिए करीब करीब मेरी मीट बॉल्स पक गई हैं, तैयार हो गई है, हम बस हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये लिया मैंने 3 टमाटर, 2 छोटे प्याज, इनको मैंने मिक्सी में डाल के इनको ब्लेंड कर लेना, पेस्ट बनाना है, और इनको निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम अपना ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ये हमारी मीट बॉल्स तैयार हो गई, इसमें हम तेल डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने इसमें, 2 इंच सिनेमन स्टिक और 3 से 4 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची हरी वाली डाल देंगे हम इसमें। और फिर हम इसमें अपने जो हमने प्याज टमाटर का प्यूरी बनाया है वो डाल देंगे, पूरा थोड़ा पानी डाल देंगे खंगाल के उसमें से, जार से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और हम इसमें अब डालेंगे अपनी स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून, और डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और कोरिएंडर गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, और हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर भुनने, इसको अच्छे से पकने देंगे, भुनने देंगे, ढककर हम इसको पकाएंगे। सॉल्ट डाल दिया हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट ही ध्यान रहे हमने कोफ्तों में भी डाला है और इसमें भी डाला है, इसीलिए उस हिसाब से डालें। हम इसको ढक के अच्छे से मसाले को अपने पकने देंगे भुनने तक। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, पक गया है, चलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही 1 टेबल स्पून कर मैंने इसमें डाला है, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। फिर हम इसमें अपने कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए वो डाल देंगे। अब देखिए हमने इसमें अपने पूरे कोफ्ते को डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि इसमें मसाला हमारे कोफ्तों में अच्छे से फ्लेवर आ जाए मसाले का। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ग्रेवी आपको जितनी भी ठीक रखनी है या पतली रखनी है उसी हिसाब से आप अपना रख लें। हमें 10 मिनट बाद देखिए हमारी कोफ्ता
कढ़ाई कोफ्ता तैयार हो गया है। ये देखिए जबरदस्त कढ़ाई कोफ्ता हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे ऊपर से और अब हम इसको सर्व करेंगे। बस ये हमने सर्व कर दिया है अपना कढ़ाई कोफ्ता। देखिए इतना अच्छा लग रहा है इसका देखने में, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए आप इसको ऐसे कभी मटन ना हो तो इसका चिकन का ऐसे कोफ्ता बना के, कढ़ाई कोफ्ता बना के ट्राई करिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, जैसे मटन के बनते हैं ऐसे ही इसके चिकन के भी कुछ सॉफ्ट बढ़िया कोफ्ते बने हैं। खाने में भी आपको अच्छे लगेंगे। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मेरी वीडियो भी कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगी कोई एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।